सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 30 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है, यरीको के रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगने वाला एक अंधा भिखारी का एक दृष्टांत है। अंधा भिखारी को लेकर प्रभु हम सबों से बातें करता है, बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। उस भिखारी के जीवन में कितना कुछ अच्छाइयाँ थी, उसको प्रभु हमें अपनाने के लिए एक प्रकार से निमंत्रण देता है, बुलावा देता है। आइए हम इस बात को समझने की चेष्टा करें। वे यरीको पहुंचे जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। यह व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। रोजाना उसका यही काम था, क्योंकि और कुछ वह कर नहीं सकता था। भीख मांगने के सिवा दूसरा कोई काम धाम नहीं हो सकता था उससे, इसलिए सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन की बात है जब उसको पता चलता है कि यीशु नाजरी उधर से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है, तो पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। जैसे उसको पता चला ईसा नाजरी गुजर रहे हैं, यानी कि उसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु में उसका विश्वास था, भरोसा था, अंधा होने के नाते यीशु के पास नहीं जा सकता था। जब यीशु ही उस रास्ते पे आए, जिस रास्ते में बैठ कर भीख मांग रहा था, यीशु ही उस रास्ते से आए, उसने सोचा यही मौका है मेरे लिए, मेरा उद्धार का समय यही है। इसलिए उसने पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ उसने जोर से बुलंद आवाज से प्रभु से अपनी प्रार्थना रखी, प्रभु से प्रभु को बुलाया। और प्रभु को किस प्रकार से बुलाया, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। दया की याचना की। उसने ये नहीं कहा मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, मुझे ठीक कर दो, ये नहीं कहा। सबसे पहले उसने दया की याचना की, क्योंकि दया की भीख मांगे बगैर हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम सभी पापी अपराधी गुनहगार हैं, तमाम प्रकार के पाप हमारे जीवन में हैं। ऐसे में हम प्रभु को बुलाने तक योग्य नहीं, लायक नहीं, इसलिए माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरी है। इस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी, क्षमा की याचना की, दया की याचना की और कहा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया की। यानी कि प्रभु की दया की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, हम सभी भले चंगे होते हैं, हम सभी आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए प्रभु की दया की दृष्टि हम सबों को हर दिन जरूरी है। इसलिए हर दिन हम प्रभु से हम दया की याचना करें। हर दिन सुबह उठ के प्रभु से कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं। और ये छोटी सी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्यवान प्रार्थना हो सकती है। वही प्रार्थना इस व्यक्ति ने की, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। जब प्रभु से उसने दया की भीख मांगी और जोर जोर से पुकारा, इतनी उसकी आवाज इतनी जोर थी, बुलंद थी, वहां चलने वाले लोगों ने उसको डांटा, चुप होने के लिए बताया, चुप रहो, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन वो शांत नहीं हुआ, चुप नहीं हुआ, वो अपनी आवाज और बुलंद करते और जोर से पुकारता रहा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। जब उसने विश्वास के साथ अपनी आवाज बुलंद करते प्रभु को पुकारा, प्रभु ने रुक कर कहा, उसे मेरे पास लेके आओ, क्या चाहते, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा, मैं फिर देख सकूं। अब अपना असली निवेदन प्रभु के सम्मुख रखता। अब तक उसने क्या कहा, मुझ पर दया कर। अब कहता, मैं फिर से देख सकूं, ऐसी कृपा कर। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यानी कि ये व्यक्ति विश्वास के साथ चंगाई प्राप्त करता। यहां पर जैसे ही प्रभु ने उसको बुलाया, उसने क्या किया, चादर फेंक दी। यानी कि अभी मुझे चादर की जरूरत नहीं। जैसे ही प्रभु ने बुलाया, उसका मालूम था, उसका भरोसा था, उसका विश्वास था, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मुझे कल से यहां पर भीख मांगने नहीं आना पड़ेगा। इसलिए चादर फेंक दी, हो सकता है उसके साथ लाठी भी थी वो भी फेंक दी, हो सकता है कटोरा था वो भी फेंक दिया, और वो आनंद के मारे उछल पड़ा, क्योंकि उसका भरोसा था, उसका विश्वास था, मेरा प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रभु भाइयों बहनों, हम सबों को हर दिन बुलाता है, प्रभु के पास जाने की जरूरत है। उस चादर को, गंद पापमय चादर को, गंदगी की चादर को, उस सभी बुरे आदतों को हम उठा के बाहर फेंकें, प्रभु के पास जाएं। प्रभु कहेगा, आज इस व्यक्ति में उद्धार हुआ है, आज इस व्यक्ति को मुक्ति मिली है, छुटकारा मिला है, ऐसा जीवन प्रभु देना चाहते। इसलिए प्रभु के पास
पास हम जाएं और हमारी आध्यात्मिक दृष्टि हम पाएं। हो सकता है शारीरिक रूप से हम ठीक हैं, आध्यात्मिक दृष्टि अंधी होने पर धार्मिकता का मार्ग दिखाई नहीं देगा। हमें आध्यात्मिक दृष्टि पाना है तो प्रभु के पास जाना है, प्रभु को पुकारना है और प्रभु हमें आध्यात्मिक दृष्टि देगा। हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों को बरकत दें, आशीष दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।